हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में घर पर मिठाइयाँ बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की धुली हुई दाल ली है। अगर वेट के हिसाब से देखें तो ये लगभग 200 ग्राम है, लेकिन जनरली घर पर सबके पास वेइंग मशीन नहीं होती है, इसलिए हम इसे कटोरी के नाप से ही बनाएंगे। आप हलवा बनाते वक्त कोई भी एक कटोरी सेट कर लें और सारे मेजरमेंट्स उसी कटोरी के हिसाब से लें, हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हमें दाल को धोना है, इसलिए इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद इसका ये पानी फेंक देंगे और इसका पानी 2-3 बार बदल कर इसे अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे 2-3 बार पानी बदल कर धो लिया है। अब हम इसमें ऊपर तक साफ पानी डालेंगे और इसे कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। 7-8 घंटे भीगने के बाद दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। पानी ड्रेन करने के बाद हम दाल को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। दाल में जितना कम पानी होगा हमारा हलवा उतना ही जल्दी बनेगा। अब इसे ग्राइंडर में शिफ्ट करेंगे और आपको जैसा भी हलवा पसंद हो, मुंह में घुलने वाला या दरदरा, उसके हिसाब से इसे पीस लेंगे और पीसते वक्त इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। मैंने इसे मीडियम कंसिस्टेंसी का पीसा है, ना ही तो बहुत बारीक और ना ही ज़्यादा दरदरा। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 कटोरी देसी घी डालेंगे। घी मैं उसी कटोरी के मेजरमेंट से डाल रही हूँ जिससे हमने दाल मेज़र की थी। अब घी को गर्म होने देंगे और घी के गर्म होने पर फ्लेम को कम कर देंगे। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सूजी और 1 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ। सूजी हम हलवे में दरदरेपन के लिए डालते हैं और बेसन फ्लेवर के लिए। अगर आप ये दोनों नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब इन्हें कम फ्लेम पर अच्छे से खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। सूजी और बेसन दोनों अच्छे से भून चुके हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दाल डालेंगे और इसे फटाफट चला देंगे। दाल को फटाफट चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। मूंग की दाल के हलवे को हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें और इसे बनाने के लिए या तो नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ करें या फिर हैवी बॉटम की कढ़ाई लें, इससे इसे बनाना ईजी हो जाएगा। आप इसे इस तरह से दबाते हुए भूनें। अगर इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ पड़ गई होंगी तो वो सारी निकल जाएंगी। मूंग का हलवा स्टिकी होता है और इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हो सके तो इसे बनाते वक्त आप किसी की हेल्प ले लें। हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए कम फ्लेम पर लगभग 20 से 25 मिनट तक भूनना है। आप देख सकते हैं कि हलवा काफी हल्का नजर आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसे चलाना भी इजी हो गया है। इसका मतलब है कि दाल ऑलमोस्ट भून चुकी है। अब हमें बस इसे 5 से 7 मिनट और भूनना है, लेकिन पहले मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी ताकि वो भी इसके साथ रोस्ट हो जाएं। मैं इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट या इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि दाल में बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैं इसमें लगभग 300 ml दूध और 2-3 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ। अगर आप इसमें दूध और मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 100 ग्राम खोया भी डाल सकते हैं, और अगर खोया भी नहीं डालना चाहते तो जितनी चीनी डाल रहे हैं उतना पानी डाल दें। जब हम मूंग दाल के हलवे में खोया डालते हैं तो मूंग दाल का टेस्ट कम
और खोए का टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए मैं इसमें दूध डालना प्रेफर करती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें दूध या खोया डाल लें। अब फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसे लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक सारा दूध सूख कर ये फिर से गाढ़ा नहीं हो जाता। सारा दूध सूख चुका है और हलवा फिर से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें मीठा डालेंगे। मैं इसमें 3/4 कटोरी से ज़्यादा और 1 कटोरी से कम चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इन्हें मिला लेंगे। अगर आप इसमें चीनी की जगह चाशनी डालना चाहते हैं तो चाशनी बनाने के लिए जितनी चीनी ले रहे हैं उतना ही पानी लें और दोनों को मेल्ट होने तक उबाल लें और इन्हें दूध के साथ ही इसमें डाल दें। आप चाहें तो दूध का अमाउंट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हमने इसे लगातार चलाते हुए चीनी का पानी सूखने तक और भून लिया है और हलवे ने घी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि घी की ड्रॉप्स नीचे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आप इसे बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक तो मूंग दाल को अच्छे से भीगने दें, दूसरा उसे पीसते वक्त पानी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जब भी आप मूंग दाल का हलवा बनाएं उसे हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें। हाई फ्लेम पर दाल अंदर से कच्ची रह जाती है और हमारी इतनी देर की मेहनत बेकार हो जाती है। दाल के अच्छे से भुनने के बाद ही इसमें दूध और चीनी डालें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।